हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स अ नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एमपीपीएससी का मेंस का थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हमने एमपीपीएससी का फिजिक्स पार्ट कंप्लीट कर दिया, हेल्थ हमारा चल रहा है जो यूनिट 6 है, और इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री के भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। आप देखिए, डिस्क्रिप्शन जाइए और चेक करिए और कुलदीप सर से डायरेक्ट कंसल्ट करिए रिलेटेड टू ज्वाइनिंग द बैचेस एंड टेस्ट सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ यूपीएससी और एमपीपीएससी की सेपरेट बैच चल रही है। सेपरेट बैच इन द सेंस हिंदी एंड इंग्लिश की सेपरेट बैचेस हैं। आप प्री और मेंस की भी सेपरेट हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं 2021 का, वो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट के बाद 90 दिन मिलेंगे मेंस देने के लिए। 90 दिन काफ़ी होते हैं मेंस क्वालिफाई करने के लिए। इसी के साथ हमारी कोचिंग पे एसएससी की बैच चल रही है। बैंक, रेलवे, सीटीटी, एमपीटीटी, महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, पटवारी, ये सारी बैचेस सेपरेट चल रही है। ओके, हम एटम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम एटम का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, डिस्क्रिप्शन देखिए, मेरे चैनल पर जाइए और चेक करिए, फर्स्ट पार्ट के बारे में डिटेल में दिया गया, एटम के बारे में डिटेल में समझाया, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस सब समझाया है। आज हमारा सेकंड पार्ट है, कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, देन वी कम ऑन द स्टार्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड पर छोड़ा था अपन ने। देखो, 1920 में क्या हुआ था, एक लैटिमर एंड रोडबस, ये दो साइंटिस्ट थे, इनने क्या प्रपोज करा, द आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर आइडिया प्रपोज किया। इसमें क्या बोला, दिस इज अ वीक बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, वीक फोर्स है बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। और क्या ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, H2 होता है ना, मैंने आपको डिटेल में बताया। आप फर्स्ट पार्ट देखिए एटम के बारे में, कि O2 बताया है, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम। ओके, इन विच, जिसमें एटम हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें एटम की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और प्रेजेंट होता है अदर मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो आप देख लीजिए, इसको नोट करिए, मैं कंटेंट बहुत अच्छा लिखवा रहा हूँ आपको। अगर मेंस में आप यही कंटेंट लिख के आओगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप टाइप पढ़ेंगे इसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप कौन से है। देखो, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन द टू और मोर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, बॉन्डिंग बिटवीन द टू और मोर मॉलिक्यूल्स, जिससे हम मे बी सिमिलर और डिसिमिलर सब्सटेंस, या तो सिमिलर सब्सटेंस हो सकते हैं या डिसिमिलर सब्सटेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, आपको पता है कि सिमिलर सब्सटेंस या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस टाइप बॉन्डिंग में क्या होता है, क्लेशन भी बोलते हैं इसको अपन। ये कहाँ होता है, बिटवीन द टू एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स, समझे, वहाँ डिसिमिलर भी है या सेम है। यहाँ पर सिमिलर भी और डिसिमिलर भी, यहाँ पर सिर्फ ओनली सेम मॉलिक्यूल्स है, मतलब डिफरेंस यही है सिर्फ ओनली। ये कहाँ कहाँ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और ओ क्लोरोफेनॉल, ये इसके एग्जाम्पल है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड वैन डीर वॉल फोर्स। ये क्या होता है, वैन डीर वॉल फोर्स, इस जो फोर्स होता है, दिस द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्या आपको पता है, मैंने आपको मैग्नेट के चैप्टर में आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन बताया था, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड ईच अदर एंड द सेम पोल ऑलवेज रिपल्सन टूवर्ड ईच अदर। ओके, तो इसमें क्या है, कि जो फोर्स है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन
एक साथ करती है मॉलिक्यूल्स में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होती है, आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिफरेंट होती है. ओके, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिफरेंट होती है. नेम्ड आफ्टर डच फिजिक्स जॉन डिडरिक वैन डेर वाल्स, जिन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको प्रपोज किया था उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया, वैन डेर वाल फोर्स. ये फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ये हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, इसको ना पढ़ें. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. That is called nuclear reaction और nuclear fission. Nuclear fission के बारे में समझेंगे अपन. Nuclear fission आपको पता है कि आजकल जितने भी nuclear power plant है वो nuclear fission पर work कर रहे हैं. Nuclear fission क्या होता है कि एक particular nucleus जो कि कई सारे part में divide हो जाता है और वो energy generate करता है. देखो, the splitting of a heavy nucleus मतलब एक ज़्यादा heavy nucleus को तोड़ना, किसमें? लाइटर न्यूक्ली ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास, जिसका इक्वल मास होगा, बाय रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. और इसी को जो क्या होता है कि अगर न्यूक्लियस को अपन तोड़ते हैं तो क्या होता है कि कई इक्वल इक्वल साइज के न्यूक्लिय बनते हैं. न्यूक्लियस में तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, तोड़ने से क्या होगा, एक एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फिजन. ओके, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट द रिएक्टिंग न्यूक्ली. क्या बोला मैंने कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, जो मतलब एक न्यूक्लियस की जो एनर्जी है ना वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस. ओके, द एनर्जी रिलीज बाय द फिजन ऑफ यूरेनियम इज अबाउट 200 मेगावाट. मतलब कितना कि एक यूरेनियम की कितनी एनर्जी जनरेट करता है, 200 मेगावाट. द फिजन एनर्जी पर न्यूक्लियर इज अबाउट 0.84 मेगावाट. द न्यूक्ली प्रोड्यूस्ड बाय द फिजन आर हाईली रेडियो एक्टिव. आपको मैंने केमिस्ट्री में अपन आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, पेरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानेंगे. ओके, तो ये क्या है, रेडिएशन जनरेट करते हैं जो जिससे क्या होता है कि आदमी पर शरीर पर इफेक्ट पड़ता है. ओके, आपको पता है कि कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो बंद कर दिए, कई सारी कंट्री ने बंद कर दिया. क्यों बंद कर दिए? क्योंकि जो रेडिएशन इससे निकलता है ना वो हमारे शरीर पर एडवर्सली इफेक्ट करता है, हमारा शरीर को, ह्यूमन की बॉडी को इफेक्ट करेगा. तो इस वजह से रेडिएशन को कंट्रोल भी करते हैं, जैसे मैं बताऊंगा आगे, चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज कॉल्ड नेचुरल यूरेनियम हैज द फॉलोइंग आइसोटोप. कौन कौन से आइसोटोप होते हैं? देखो, 92 यूरेनियम 235, क्लियर? ओके, फर्स्ट 92 यूरेनियम 235 0.006%, 0.72 एंड यूरेनियम 238. इतना 99.27. ओके, इसको बाई एक्सट्रैक्शन द अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 इन यूरेनियम इज इंक्रीज फ्रॉम 0.72 to 2 to 3% एंड देन इट इज कॉल्ड एनरिच यूरेनियम. क्या होता है कि आपको पता है कि कई सारी कंट्री ब्लेम करती है कि ये बॉम्ब बना रहा है, क्या न्यूक्लियर बम बना रहा है. तो क्या होता है न्यूक्लियर बम, थोड़ा डिटेल बता देता हूं मैं. न्यूक्लियर बम से क्या होता है कि है ना, जो कंट्री उसका ज्यादा एनरिचमेंट करती है, यूरेनियम का ज्यादा एनरिचमेंट कर रही है तो वो न्यूक्लियर बम के लिए कर रही है. ओके, कम एनरिचमेंट मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, तो ज्यादा एनरिचमेंट करेंगे तो अपन क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन. आपको पता है चेन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक चेन चल रही है, ओके, उससे कुछ जनरेट हुआ, उसने दूसरी चेन स्टार्ट कर दी, तो एक दूसरे से कनेक्शन. ओके, ड्यूरिंग अ रिएक्शन के समय अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट द नेक्स्ट रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आएगा उसने दूसरी रिएक्शन स्टार्ट कर दी, देयर बाई स्टार्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इससे क्या होगा, सीक्वेंस रिएक्शन हो जाएगी, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन. और ये दो टाइप के होते हैं चेन रिएक्शन, एक कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन. कंट्रोल में कंट्रोल कर लेते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है. ओके, द चेन रिएक्शन इनिशिएट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन.
और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो अपन चेन रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम को बॉम्बार्ड करते हैं किससे, न्यूट्रॉन से, यूरेनियम को बॉम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन से, तो क्या होगा, फिजन ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस इज अकोम्पलाइज बाय द रिलीज ऑफ 3 न्यू न्यूट्रॉन, और ये 3 न्यूट्रॉन और जनरेट करेगा जो कि स्प्रेड कर देंगे अदर यूरेनियम न्यूक्लियस। क्लियर, चेन रिएक्शन। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। आप जानते हो सूरज जो होता है सूरज में न्यूक्लियर फिजन होता है, जिससे न्यूक्लियर फिजन के कारण अपने पृथ्वी पर रोशनी आती है, लाइट। देखो और स्टार जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, स्टार को अपन जो चांद तारे बोलते हैं, तारे जो तारे होते हैं उसके अंदर भी न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस, फ्यूजन की प्रोसेस होती है। ओके, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो न्यूक्लियस होते हैं उनको जोड़ के अपन एक न्यूक्लियस बना देते हैं, तो उससे क्या होता है एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट पर एनर्जी जनरेट होती है। आप देखना जो थोरियम, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, थोरियम, और थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरला के मोनोजाइट सैंड के अंदर, मोनोजाइट सैंड के अंदर थोरियम बहुत पाया जाता है अपने इंडिया में, पर वो एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। तो अपनी इंडिया और अदर कंट्री वर्क कर रही है, इस पर काम कर रही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से अपन एनर्जी जनरेट कराएं। न्यूक्लियर फ्यूजन से तो करते ही हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, पर न्यूक्लियर फ्यूजन से भी अपन एनर्जी को जनरेट कराएं। देखो जब दो लाइटर न्यूक्ली कंबाइन करके एक बनाते, एक न्यूक्लियस हैवी मास का मास नंबर है, एनर्जी इज रिलीज, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर, देन द मास ऑफ द न्यूक्ली ऑप्टेन बाय फ्यूजन इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ द फ्यूजन। जो अपन को जोड़ने के बाद उसका मास जो मिलता है वो कम होता है, किससे, जो डिफरेंट सम ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस से। ओके, द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द शाइनिंग ऑफ द स्टार आर बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब और स्टार चमकते हैं तो वो किससे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन में, फ्यूजन के लिए ये जरूरी है कि दो न्यूक्ली एक दूसरे क्लोज आ जाए, इनफ देन दैट द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स कैन एक्ट बिटवीन देम। क्लियर, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज इन द इंटीरियर ऑफ द स्टार इज थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलेंगे, जो एनर्जी जनरेट हो रही है सितारों में उसको बोलते हैं थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब वेरी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन आर अवेलेबल इनसाइड स्टार, क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी स्टार के अंदर बहुत होता है, जिससे क्या होगा, जिससे एनर्जी इज प्रोड्यूस बाई थर्मल न्यूक्लियर फिजन, जिससे कि एनर्जी जनरेट होगी किससे, थर्मल न्यूक्लियर फिजन से। ओके, द सोर्स ऑफ द सन एनर्जी, मैंने बताया सन के बारे में, सूर्य के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन होता है, इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन द सन। क्लियर, मैंने पहले बता दिया, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू हीलियम। देखो दो ही गैस पाई जाती है सूर्य पे, या तो हाइड्रोजन पाई जाती है या हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में होती है, हीलियम में, जिससे कि रोशनी होती है और रोशनी अपने पास आती है पृथ्वी पर, और इसको, सो द फ्यूल ऑफ द सन इज हाइड्रोजन। तो सन का क्या फ्यूल होगा, सन का ईंधन क्या है, हाइड्रोजन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन पर, मैंने पहले बता दिया न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन रिक्वायर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आपको बताया मैंने स्टार के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, सन के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रही है। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब में भी जरूरत होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की, जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियर का एक्सप्लोरेशन होता है जिसको अपन पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को करने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब में, जिससे क्या होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन से कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज ऑप्टेन, जिससे क्या होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन से क्या होता है कि अपन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ऑप्टेन हो जाता है, गेन हो जाता है, और विच लीड टू न्यूक्लियर फिजन, और जो कि प्रोसेस को करता है न्यूक्लियर फिजन को प्रोसेस करता है। न्यूक्लियर फिजन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, आपको पता है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है देन फिजन से। ओके, जिससे हाइड्रोजन बॉम्ब आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन एटॉमिक बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब आपको पता है उसके अंदर होती है न्यूक्लियर फिजन, वो न्यूक्लियर फिजन में कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, इसमें होती है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ओके, देखो
अमेरिकन साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट किसने, हाइड्रोजन बम किसने बनाया, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, किसमें, हाइड्रोजन बम को बनाने में। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम बोलते हैं। क्लियर, देन बी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड। देखो मैंने एटम का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, आप दोनों वीडियो अच्छे से देखिए समझिए, मैंने एक एक चीज बताई है और आपको यही चीज पेपर में आनी है, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जितना भी एमपीपीएससी का पेपर नंबर थर्ड करा रहा हूं, क्योंकि क्या हुआ था कि 2020 के मेंस में बच्चों को जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके थे उनको प्रॉब्लम आई थी पेपर नंबर थर्ड में, कई बच्चों ने 70-70 नंबर का छोड़ा है, कई बच्चों ने 50-50 नंबर का छोड़ा है, पर मैंने सिर्फ ओनली कुछ नहीं छोड़ा, सब अटेम्प्ट करके आया, इसलिए मेरा पेपर नंबर थर्ड बहुत अच्छा है। मैं आपको पेपर नंबर थर्ड अच्छे से करा दूंगा, क्योंकि लोगों पे कंटेंट नहीं है, मैं पूरा कंटेंट कवर कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक सुने। अपने जो कंटेंट यहां पर है उसको कॉपियों में लिखें, ये बहुत काम में आना है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो लाइक करें, उसके साथ शेयर करें। जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनको शेयर करें, और जिन वीडियो बच्चों जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, थर्ड पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो शेयर करें उनको, और साथ में कमेंट भी करें आर रिलेटेड टू बैचेज, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपका एमपीपीएससी का पेपर नंबर थर्ड कंप्लीट होगा, अदर इन्फॉर्मेशन भी कवर हो जाएगी, क्योंकि हमारे और टीचर भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं। ओके, देन थैंक यू सो मच।